नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में एमपीएल क्षेत्र अंतर्गत एमपीएल में विवाद। ताजा घड़ी में विगत दो दिनों से चला रहा विस्थापितों और एमपीएल प्रबंधन के बीच विवाद मंगलवार को सुबह काफी हंगामेदार हो गया और झड़प में तब्दील हो गया। मंगलवार की सुबह विस्थापित अपनी मांगों को और अपनी समस्याओं को लेकर एमपीएल के मुख्य गेट पर गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए, जिसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। धरने पर बैठे हुए विस्थापित प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची और उन लोगों के साथ वार्ता शुरू हुई। और वार्ता शुरू होते ही एक हासुनी होते होते झड़प में तब्दील हो गई, जिस पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसमें कुछ विस्थापितों को चोट भी आई और घायल भी हुए। प्रशासन की तरफ से निरसा बीडीओ विकास कुमार राय ने बताया, निरसा एसडीपीओ सहित निरसा थानेदार सुभाष सिंह, एमपीएलओ विस्थापित नेता सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल ने निरसा एसडीपीओ और प्रशासन से उनकी कार्यवाही की निंदा की तथा प्रशासन विस्थापित और एमपीएल प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर जल्द से जल्द विवादों को सुलझाने का आग्रह किया, जिस पर अभी बात चल रही है। निरसा संवाददाता मजीद खान की रिपोर्ट। दादा, एमपीएल के प्रबंधन के साथ लगातार विस्थापितों का आंदोलन अरसों से चला आ रहा है, हर कोई देखता है। आज ये झड़प में तब्दील हो गई, प्रशासन ने लाठी डंडों का प्रयोग किया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटना के बारे में? देखिए, ऐसा बात नहीं है। आप जिस बात को बोल रहे हैं ना, लाठी डंडा का प्रयोग किया है या झड़प हो गया है, ये इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 3 से 3,500 आदमी काम करते हैं। तो जहाँ 3,000 आदमी काम करेंगे 3 शिफ्ट वाइज में, तो निश्चित ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ ऐसा परिस्थिति बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी भी हम लोग डीएसपी साहब से बात कर रहे थे, वो एक तो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल दे रहे थे, यहाँ का कौन फैक्ट्री का दिया, एसयूसीएल का, वहाँ उसका पोस्टिंग था। बोला ये सब तो जब तक इंडस्ट्री चलेगा, वर्कर से बीच में और मजदूर के मैनेजमेंट के बीच में ये सब लगातार चलेगा, वही उसी का एक पहल है। और जहाँ तक बात है ये कार्य हमारा लोग या बैठे हुए हैं या धरना दे रहे हैं या कुछ मांग रखे हैं, तो इस मांग को मैनेजमेंट को इस बात को सुनना भी चाहिए, रखना भी चाहिए और तत्परता के साथ उसका रास्ता निकालने का काम करना चाहिए। अगर रास्ता कहीं निकलता नहीं है तो निश्चित रूप से जो इसका नेतृत्व करता है उसको बुला के बात करना चाहिए, यहाँ पर बात करना चाहिए, या मजदूर के साथ बुला के बैठ के बात करना चाहिए। तो यही तो सच्चाई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ना कहीं छोटा मोटा बात हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पर कार छिलेंगे से देखिए आप अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं, झड़प हुआ किसी के साथ, देखिए ये सामान्य वर्कर है, ये कौन सा गलती किया है, ये अपना गेट में खड़ा था जिसके कारण हुआ, ये सब होगा, होता है। और मेरा विश्वास है कि आज के दिन में प्रोजेक्ट हम सारे विस्थापित के लोग जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं हम लोग खड़ा किए हैं, और इसका उचित जो भी काम पड़ा हुआ है बाकी है वो मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। दादा, आज के धरना को लेकर क्या कुछ कोई वार्ता हुई या फिर अभी जारी रहेगा? क्या मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी जिला प्रशासन के साथ हम लोग एक राउंड वार्ता किए हैं और जिला प्रशासन ने एक बात कहा कि हम लोग मैनेजमेंट के साथ भी बुला के बात करते हैं, उसके बाद हो सके जिला प्रशासन का आग्रह करेंगे या बात को रखने का काम करेंगे कि हम लोग आके दोनों बहुत लोग को बैठा कर इसका समाधान कैसे हो सकता है। क्या कुछ हुआ आज एमपीएल गेट पे प्रशासन पुलिस पहुंची और विस्थापितों के साथ कुछ नोकझोंक की भी मामला सुनने में, क्या कुछ है पूरी घटना? यहाँ पिछले दो दिनों से एमपीएल के कुछ मजदूरों के द्वारा और एमपीएल प्रबंधन के बीच कुछ मामलों को लेकर गतिरोध था एसएस कार्ड को लेकर, और उसके लिए इन लोग कुछ लोगों ने गेट जाम किया था, जिसके लेके यहाँ पर पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी, मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। हाल सुबह में एक मजिस्ट्रेट आए, उनके साथ कुछ तसलुकी की गई, और इसी को लेकर हम लोग एसडीपीओ साहब सब लोग यहाँ पर हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग वार्ता कर लीजिए और जो भी वार्ता करके इस मामले का हल निकालिए, ताकि जो भी लॉ एंड ऑर्डर हो सही से बहाल हो और शारीरिक से काम करें। फिलहाल स्थिति क्या है एमपीएल गेट में? अभी तो वार्ता हुई है आपके सामने, आप वहाँ मौजूद थे, तो जो एमपीएल के जो भी मजदूर लोगों के प्रतिनिधि है वो वार्ता के लिए तैयार हुए हैं, अभी वार्ता होने वाली है।